हेलो फ्रेंड्स, तो ये है अमूल का तंजानिया चॉकलेट नॉइर सिंगल ओरिजिन डार्क चॉकलेट। तो ये डार्क चॉकलेट है अमूल की ओर से, अमूल जो कि काफ़ी बढ़िया ब्रांड है इंडिया का, जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। और जैसा कि देख पाएंगे 50% रिच इन कोकोआ है ये। और ये तंजानिया से, ये चॉकलेट तंजानिया जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है जहाँ पे जिराफ ज़्यादा घूमते हैं जंगलों में, तो उन जंगलों से ये चॉकलेट बनाया गया है। वहाँ के जंगल से चॉकलेट फ्रूट्स, कोकोआ फ्रूट कलेक्ट करके बनाया गया है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसका टेस्ट थोड़ा नटी, थोड़ा मीठा, स्वीट, एसिडिक और बिटर टेस्ट। बिटर यानी थोड़ा कड़वा टेस्ट जो चॉकलेट का होता है नेचुरली, वो आपको एंड में स्वाद छोड़ जाएगा, जो कड़वा टेस्ट है चॉकलेट का। लेकिन इसे स्वीट भी बनाया गया है, मीठा भी बनाया गया है। ये इसका टेस्ट प्रोफाइल चार्ट है, अगर आप देखेंगे स्वीट स्वीटनेस थोड़ा कम बताया गया है, कलर और स्पाइसेस थोड़ा ज़्यादा बताया है, नट्स वगैरह, ये टेस्ट प्रोफाइल चार्ट है। उसके बाद न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है पर 100 ग्राम, जैसा कि 125 ग्राम का चॉकलेट है 125 ग्राम, लेकिन पर 100 ग्राम में आपको ये सब न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगे, जिसमें प्रोटीन 7.5 दिया है और ये बाकी सब फैट्स वगैरह। ये इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं इसमें, कोकोआ बटर शुगर जो भी आप मिलाया गया है। और ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, गुजरात में इंडिया, मार्केटेड बाय ओके। ये इनका टोल फ्री नंबर है, आपको कोई कंप्लेन हो, चॉकलेट ख़राब निकले, कुछ भी हो, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अमूल के। 140 रुपये इसका मूल्य है और बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम पैकिंग, यानी ये पैक हुआ 4 अप्रैल 2018, तो आप इसे 12 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा जब से ये पैक हुआ है। और ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ये लोगो आप देख सकते हैं, प्लेन चॉकलेट है। और ये सर्टिफाइड है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये और जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ चॉकलेट स्वीट, कैडबरी की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं खाने में। इनके कई वेरिएंट्स आते हैं जो कि काफ़ी प्राइस रेंज में आते हैं, सस्ते भी आते हैं, जैसे अमूल फ्रूट एंड नट आपको 100 रुपीज़ में शायद पड़ जाएगा, तो ये 140 रुपीज़ का है। काफ़ी फ्लेवर्स में आते हैं चॉकलेट, और भी आप ट्राई करिए। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं हम कि इसमें क्या खास है। जैसा कि इस चॉकलेट के बारे में बताया गया, स्वीट है और एंड में थोड़ा कड़वापन जो चॉकलेट का नेचुरल टेस्ट होता है वो छोड़ जाएगा आपको, स्वाद वो छोड़ के जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या सच है। तो कुछ इस तरीके का ये पैक है और यहाँ पे तंजानिया जो फ्लेवर है वो बताया गया है इनका। तो इसको ओपन करते ही कुछ इस तरीके का पैक है ये, और ये हमेशा उल्टा ही निकलता है ये। तो ये देखिए, मैं फ्रिज में रखा था, इसे फ्रिज में रखना भी चाहिए या थोड़ी ठंडी जगह पे जहाँ पे दूध या दही हम रखते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ये अमूल का लोगो दिया हुआ है और कुछ इस तरीके का ये सब। तो ये छोटे छोटे बार्स हैं चॉकलेट के, तो चलिए इसे हम ट्राई करते हैं। मीठा चॉकलेट है लेकिन चॉकलेट का स्ट्रॉन्ग टेस्ट भी है इसमें और मीठा भी है, अच्छा है, कैडबरी की तरह है, अमूल का अच्छा चॉकलेट है ये, आप ज़रूर ट्राई करिए।
ओके, थैंक यू।